Welcome, you all, in our channel Dr. Agriculturist. I am Devendra Chaudhary. In this video, we are going to learn about plant pathogenic protozoa with examples of disease caused by them. This is for the course Fundamentals of Plant Pathology. प्रोटोजोआ अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच विटकर नाइनटीन सिक्सटी नाइन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड इन टू फाइव किंगडम लाइक मोनरा प्रोटिस्टा प्लांटी फंजाई एंड एनिमेलिया सो जो प्रोटोजोआ होते हैं वो प्रोटिस्टा किंगडम को बिलोंग करते हैं और ये इन्फेक्शन कहाँ कर रहे हैं प्लांट्स में इसीलिए इसे हम प्लांट पैथोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआ को उसके लोकोमोटरी ऑर्गन के अकॉर्डिंग चार डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जैसे कि अगर उसमें सूडोपोडिया प्रेजेंट है तो अमेबोइड प्रोटोजोआ फ्लेजिला प्रेजेंट है तो फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोआ सीलिया प्रेजेंट है तो सीलिएटेड प्रोटोजोआ और अगर कोई स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है तो उसे स्पोरोजोआस में रखा गया है सो so, जो डिजीज करते हैं प्लांट्स में वो होते हैं फ्लैजीलेटेड प्रोटोजोआ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं ये बिलोंग करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में फाइलम यूगलेनोजोआ में ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिडी में और फैमिली ट्राइपेनोसोमेटिडी में जीनस फाइटोमोनास सो so, ये जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ हैं जो कि प्लांट्स में इन्फेक्शन करते हैं उसका नाम है फाइटोमोनास इससे होने वाली बीमारी फ्लोएम नेक्रोसिस ऑफ कॉफी दिस इज कॉज्ड बाई फाइटोमोनास लेप्टोबेसोरम हार्ट रॉट ऑफ कोकोनट कॉज्ड बाई फाइटोमोनास इस्टेहेली सडन विल्ट ऑफ आयल पाम कॉज्ड बाई फाइटोमोनास इस्टेहेली एम्पटी रूट ऑफ कसावा कॉज्ड बाई फाइटोमोनास फ्रेंकेई इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा देखते हैं इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाई लेफोंट नाइनटीन जीरो नाइन इन मॉरीसियस सो लेफॉन्ट नाम के साइंटिस्ट ने उन्नीस सौ उन्नीस में ऑस्ट्रेलिया मॉरीसियस में इसे सबसे पहली बार देखा था और कहाँ देखा था इन द लेटेक्स बियरिंग सेल ऑफ़ यूफोर्बिया जो यूफोर्बिया प्लांट है उसके लेटेक्स बियरिंग सेल में इसे पहली बार देखा था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोआ ये इसके करेक्टर्स हैं ये यू सेल होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं एक सेल होता है और उसी से ही अपना ये जीवन यापन करते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं इसे नेकेड ऐसे नहीं देखा जा सकता इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी लेक ऑफ सेल वॉल इसमें सेल वॉल नहीं होता है मोमेंट बाई फ्लेजिला इसमें फ्लेजिला लगे होते हैं जिसके हेल्प से ये मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए फ्लेजिला काम आता है ये जो स्ट्रक्चर है ये है फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोआ इसमें एक यूनिसेलर ये सेल है और ये फ्लेजिला लगा हुआ है ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ मतलब इस फोटो को किस लिया गया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये जो है ये है प्लांट का सेल और ये जो दिखाई दे रहा है रेसे जैसा स्ट्रक्चर ये है फाइटोमोनास सो so, ये ऑयल पाम के रूट में इन्फेक्शन किए हैं इसी के कारण से ऑयल पाम में सडन विल्ट नाम का डिजीज होता है दे हैव वन आर मोर सिलेंडर फ्लेजिला विच आर यूज फॉर बहुत लोकोमोशन एंड फूड कैप्चर सो फ्लेजिला से ये लोकोमोशन भी करते हैं चलने फिरने के काम आता है और और फूड को पकड़ने में भी हेल्प मिलता है ट्रांसमिशन ये एक पौधे से दूसरे पौधे में कैसे ट्रांसमिट होते हैं कैसे फैलते हैं सो थ्रू इंसेक्ट वेक्टर कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो कि एक पौधे से दूसरे पौधे में इसे फैलाते हैं और बाई रूट ग्राफ्ट अगर हम रूट्स की ग्राफ्टिंग करेंगे तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ये फैलते हैं कॉलोनाइजेशन इन प्लांट्स ये प्लांट के दो स्पेसिफिक सेल में इन्फेक्शन करते हैं एक तो फ्लोएम सेल्स में या लेटिसिफर सेल्स में कुछ ऐसे प्रोटोजोआ होंगे जो कि फ्लोएम सेल में इन्फेक्शन करेंगे कुछ ऐसे प्रोटोजोआ होंगे जो कि लेटिसिफर सेल में इन्फेक्शन करते हैं इतना था फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोआ के बारे में इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल सो लाइक एंड शेयर माई वीडियोज एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल To download lecture notes in PDF format, please join my Telegram channel. Thank you for watching this video. Happy reading and keep improving yourself.